प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, देश के हर कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर खासा उत्साह। विकसित संकल्प यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिनटेक से संबंधित ग्लोबल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को किया संबोधित। भारत की विकास गाथा का किया जिक्र। कहा, उम्मीद भरी निगाह से भारत को देख रही है दुनिया। भाजपा ने कांग्रेस के सांसद धीरज साहू पर साधा निशाना। अमित शाह ने कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी साधने पर भी उठाए सवाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। बहुजन समाज पार्टी ने अमरोहा से अपने सांसद दानिश अली को पार्टी से किया निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में की गई ये कार्रवाई। और भारत ने पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अंतिम ग्रुप मुकाबले में कनाडा पर दर्ज की 10-1 से जीत। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम ने इन सभी से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करके उनके अनुभव सुने। पीएम ने अपनी सरकार को जन कल्याण के लिए समर्पित बताया। पीएम मोदी ने हालिया चुनाव की नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि इन परिणामों ने दिखा दिया है कि देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। मोदी सरकार की जनकल्याण योजनाओं को हर व्यक्ति के द्वार तक ले जाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इस दौरान बहुत से लाभार्थी इन योजनाओं से जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से जुड़े अनुभवों को मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ऐसे ही कई लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। पीएम ने कहा कि हाल के विधानसभा चुनाव में परिणामों ने सिद्ध कर दिया कि जनता मोदी की गारंटी में विश्वास रखती है। सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। पीएम ने महिला कल्याण के लिए किए गए कामों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आवास योजना द्वारा गरीबों को छत उपलब्ध कराई गई है। इस क्रम में कितनी ही बहनें मकानों की मालकिन बन गई हैं। आप देखिए, गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले। और सबसे मेरी खुशी तो इसमें है कि जो 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए हैं। पीएम ने कहा कि देश का हर गरीब और वंचित व्यक्ति उनके लिए पूज्य है।
पीएम ने नमो दीदी अभियान के बारे में कहा कि वो इस देश की बहनों को नमो दीदी अभियान और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। दवाई छिड़कने का काम हो, फर्टिलाइजर छिड़कने का काम हो, फसल को देखने का काम हो, पानी पहुंचाए नहीं पहुंचाए वो देखने का काम हो, ये सारे काम अब ड्रोन कर सकता है। और गांव में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद बहनों बेटियों को ये नमो ड्रोन दीदी की पहचान मिलेगी, जो उसको सामान्य भाषा में लोग नमो दीदी कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम बन गई है जिन्हें सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिला है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की है और इस अभियान के माध्यम से उन तक पहुंच रही है। इस दौरान पीएम ने लाभार्थियों से उनके अनुभव सुने। मैं किन्नर हूं, अपना काम करती हूं। धीरे धीरे मैं चाय की स्टोर लगाई एलएनटी मॉल फेसान इंडस्ट्री एरिया में, वहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चलता है सर, चाय का काम है सर। मोना जी, पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है। हाँ जी। हमारी हर उस वर्ग तक पहुंच रही है जो अब हाशिए पर थे। आपके काम और आत्मविश्वास ने एक बार फिर साबित किया है कि हमारे प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हर जगह दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है। अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच चुके हैं। इस दौरान विभिन्न जनकल्याण योजनाओं का लाभ लाखों नए लोगों तक पहुंचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक पर वैश्विक विचार नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम 2.0 को भी आज संबोधित किया। गुजरात की गिफ्ट सिटी में आयोजित समारोह को पीएम ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने नीति, सुशासन और नागरिक कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। पीएम ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। पीएम ने सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के शानदार परिणामों का भी उल्लेख किया। फिनटेक पर वैश्विक विचार नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास यात्रा को सराहा। इस फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए पीएम ने नीति, सुशासन और नागरिकों के कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी ने दुनिया को दिखाया है कि जब पॉलिसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जब गुड गवर्नेंस के लिए पूरी ताकत लगाई जाए, जब देश और देशवासियों का हित ही आर्थिक नीतियों का आधार हो, तो क्या नतीजे मिलते हैं? भारतीय व्यवस्था ने इस फिस्कल ईयर के पहले 6 महीनों में ही 7.7% की दर से प्रगति की है। इन्फिनिटी फोरम का दूसरा संस्करण वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का पूर्ववर्ती कार्यक्रम है। पीएम ने आर्थिक नीतियों पर मंथन के इस मंच की सराहना की। जियोपॉलिटिकल टेंशन, हाई इन्फ्लेशन और डेट लेवल्स की मुश्किलें आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे समय में भारत रेजिलियंस और प्रोग्रेस का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में गिफ्ट सिटी में 21वीं सदी की आर्थिक नीतियों पर मंथन होना गुजरात का गौरव बढ़ाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक है। पीएम ने कहा कि स्थापना के कुछ वर्षों के अंदर ही गिफ्ट IFSC की सफलता की कहानी अध्ययन का विषय है। गिफ्ट IFSC को
ट्रेडिशनल फाइनेंस और वेंचर से आगे ले जाना चाहती है। हम गिफ्ट सिटी को न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज का ग्लोबल नर्व सेंटर बनाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है गिफ्ट सिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने कहा कि देश में व्यापार एवं वाणिज्य की ऐतिहासिक परंपरा है। पीएम ने कहा कि गिफ्ट को लेकर हमारा विजन भारत की विकास गाथा से जुड़ा हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जहां गहरे लोकतांत्रिक मूल्य है और ट्रेड एंड कॉमर्स की ऐतिहासिक परंपरा है। भारत में हर इन्वेस्टर या कंपनी के लिए मोस्ट डाइवर्स रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। गिफ्ट को लेकर हमारा विजन भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा है। विश्व भर के प्रगतिशील विचारों, बड़ी चुनौतियों और नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों पर चर्चा और समाधान खोजने के लिए इन्फिनिटी फोरम प्रमुख मंच है। फोरम में दुनिया भर के 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 20 से अधिक देशों में फैले लोग वर्चुअल माध्यम से इस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। कार्यक्रम में विदेशी विश्वविद्यालयों के कुलपति और विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर, सवाल पूछने के बदले में कैश लेने के मामले में संसद की सदस्यता खो चुकी तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा का विवादों के साथ पुराना नाता रहा है। उन पर गंभीर आरोप लगे जिसके बाद उन्हें अपनी संसद की सदस्यता खोनी पड़ी। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद में प्रश्न पूछने के बदले नकदी और महंगे महंगे तोहफे लेने के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली गई है। जांच के बाद एथिक्स कमेटी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लोकसभा की टेबल पर पेश की थी। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने वोटिंग के बाद उन्हें संसद से निकालने का फैसला सुनाया। महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से 2019 में TMC के टिकट पर सांसद बनी थी। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया कि आखिर प्रस्ताव पास करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। विपक्ष की तरफ से TMC सांसद कल्याण बैनर्जी ने यह सवाल किया कि आखिर जिस शख्स के ऊपर आरोप लगे हैं उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। पंजाब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी कमोबेश यही सवाल उठाए। एक बारगी विपक्ष के इस तर्क को देखने पर ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहे हैं जबकि असलियत कुछ और ही है। क्या है असलियत, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल संसद की सदस्यता खत्म करने से पहले मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी को भेजा गया था। संसद में सत्र के दौरान सभी बातों पर चर्चा नहीं हो सकती है, इसके लिए संसदीय समितियों की व्यवस्था की गई है जो सत्र नहीं होने के दौरान भी कार्य करती हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके रिपोर्ट संसद को सौंपती हैं। ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से संसदीय व्यवस्था का हिस्सा होता है। इसमें तमाम पार्टियों के सांसद शामिल होते हैं। कमेटी किसी मुद्दे पर फैसले तक पहुंचने से पहले उस मुद्दे से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ करती है और उसकी राय से अवगत होती है। ऐसे में यह कहना कि महुआ मोइत्रा को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। मजे की बात यह है कि जब इस मुद्दे पर एथिक्स कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए महुआ मोइत्रा को बुलाया था, तब उन्होंने अपना पक्ष रखने के बजाय समिति की बैठक में हंगामा किया था और कमेटी के अध्यक्ष के लिए अभद्र टिप्पणी करते हुए बैठक से बाहर चली गई थी। महुआ मोइत्रा 2 नवंबर 2023 को संसद की आचार समिति के सामने पेश हुई। हालांकि वो बाद में समिति के सवालों से असहज होकर तमतमाते हुए उठकर बाहर निकल गई और समिति पर आरोप लगाने लगी। जानकारों के मुताबिक आचार समिति ने महुआ मोइत्रा से कई सवाल पूछे। इनमें दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे को लेकर सीधे सवाल पूछे गए, खासकर उनकी विदेश यात्राओं के बारे में। महुआ से पूछा गया कि उनकी विदेश यात्राओं के खर्च किसने उठाए, इन यात्राओं के दौरान वो किन होटलों में रुकी और उसका पेमेंट किसने किया। मोइत्रा से पूछा गया कि वो पीए कौन था जो उनकी जगह सवाल पूछा करता था। इन्हीं सवालों पर महुआ असहज हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसके बाद विपक्षी सांसदों के साथ उन्होंने आचार समिति की बैठक का
वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों के साथ महुआ मोइत्रा के इस व्यवहार पर संसदीय आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि महुआ ने जांच में सहयोग नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने गुस्से में आरोप लगाए, वे सवाल से बचने के लिए बैठक से बाहर निकले, वो केवल और केवल उन पर आरोप है। सवाल से बचने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने वाले इस मामले में आचार समिति ने दस्तावेजों और सबूतों के साथ 3 मंत्रालयों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उन्हें तलब किया था। वहीं महुआ मोइत्रा ने भी संसद की आईडी पासवर्ड शेयर करने के आरोपों को स्वीकार कर लिया। समिति के सदस्य अपराजिता सारंगी ने बताया, She used unparliamentary words for our chair, for all the members of the committee, and such words were there which I cannot use before. So I think it's better that you can hear you can read the verbatim recording of the proceedings and the introduction. So basically, the chairperson of the committee. I was asking question regarding the contents of the affidavit by Kirat Nandani and she did not want to answer those and then there was a ruckus created by she and the other members of the committee. उधर महुआ मोइत्रा के मामले पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी ये कहा कि इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी अदालत के जज को कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मनीष तिवारी ने कहा कि आज हम संसद के रूप में नहीं बैठे हैं, हम ज्यूरी के तौर पर यहां मौजूद हैं। विपक्ष के कई सांसदों ने बार बार महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने देने की मांग की, लेकिन सदन में ये आरोप लगाने से पहले मनीष तिवारी संभवतः यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष रहे सोमनाथ चटर्जी को भूल गए। तब सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि सदन सुनवाई की जगह नहीं है। वर्ष 2005 में पैसे लेकर सवाल पूछने के एक मामले में सदन के भीतर ये कहकर उन सांसदों को समय देने से इनकार कर दिया गया था कि इन सांसदों को कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए भरपूर समय दिया जा चुका है। सदन की इस परंपरा और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और यूपीए सरकार के वरिष्ठ मंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी की भी याद दिलाई गई। ओम बिरला ने कहा, पुरानी परंपराएं मेरे पास भी पड़ी हुई है जिसका मेंशन संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है। हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय सोमनाथ जी चटर्जी, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर थे, उन सबकी रिपोर्ट पुरानी केश कोर्ट इस विषय पर हुई थी और उस पर उन्होंने अध्यक्ष ने जो परंपरा नियम या जो रूल्स देते हैं वही हमारे रूल्स नियम जाने जाते हैं और उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि जो माननीय सदस्य जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनको कमेटी में बोलने का पर्याप्त मौका रहता है और इस सदन में परंपरा रही है कि जो पुराने अध्यक्षों के जो कुछ भी परंपरा है उनको नए अध्यक्ष हमेशा परंपराओं का पालन करते हैं। जाहिर है तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने संसद की लॉगिन और पासवर्ड साझा करने और सवाल पूछने के बदले गिफ्ट लेने का दोषी पाया। समिति ने महुआ को राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का भी दोषी पाया था। जानकार ये भी मानते हैं कि तथ्यों, संसदीय नियमों और परंपराओं की कसौटी पर अगर देखें तो महुआ मोइत्रा के पक्ष में विपक्ष की ओर से दिए जा रहे ये तर्क मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश के अलावा और कुछ नजर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त है अभी एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी, एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है।
तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? एक महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींच कर अपलोड करें। बन गया, अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मम्मी मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड, कॉलेज की टीम में तो आ गया। देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बनके देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा कर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करो जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार। पोलियो पर जीत रहे बरकरार। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री ने आज तमाम लाभार्थियों से बात की और उन्हें केंद्र सरकार की स्कीम से मिलने वाले फायदे की जानकारी ली। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहल को देश की जनता के लिए एक बड़ा कदम बताया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश तेजी से तरक्की करे और उनके द्वारा दी गई टिप्स को हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए ताकि देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। पिछले 10 साल में जिस प्रकार से इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने काम किया, छोटे से छोटा काम जो दिखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम है, वो सब लाभ आज देश की जनता को, जो शोषित, पीड़ित, वंचित, महिलाएं, किसान साइड में खड़े थे, मेन स्ट्रीम नहीं थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था, आज सरकार के सभी बड़े बड़े अफसर और अन्य लोग उनके बीच जाकर वो स्कीम्स का फ़ायदा उनको दे रहे हैं और इसमें सरकार, गैर सरकारी संस्थान सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बुलेटिन में वक्त है एक और ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों की बात। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी, NPS जरूरी है। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजारों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है।
इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना लागू हो गई है। अधिसूचना के अनुसार प्याज की किसी भी खेप का निर्यात तभी किया जा सकेगा जब इसकी लोडिंग प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने से पहले ही शुरू हो गई हो, शिपिंग बिल तैयार किया जा चुका हो, प्याज लोडिंग के लिए जहाज पर पहले ही बंदरगाह पर आ चुके हों और उनकी रोटेशन संख्या भी आवंटित हो चुकी हो। ऐसे मामलों में अगले वर्ष 5 जनवरी तक निर्यात किया जा सकेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों की सरकारों के अनुरोध पर केंद्र की मंजूरी लेने के बाद प्याज निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।